सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। करंट रेशो एंड क्विक रेशो। इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं करंट रेशो और क्विक रेशो का बेसिक फार्मूला और इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्या है बताऊंगा। करंट रेशो का जो फार्मूला है और ये करंट रेशो जो इक्वल होती है करंट एसेट डिवाइडेड करंट लाइबिलिटी। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी की टोटल एसेट्स कितने हैं और कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज कितनी है और इनका कंपैरिजन, इनका रिलेशन क्या है। करंट रेशो हमें इनके दरमियान जो रिलेशन है वो बताती है और ये करंट रेशो जो है हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फॉर एग्जांपल कंपनी के 2,00,000 करंट एसेट हैं, टोटल करंट एसेट और करंट एसेट सेम चीज़ है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। और टोटल करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी सेम चीज़ है, क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी या टोटल करंट डालेगा आपने, कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीज़ है। तो करंट एसेट डिवाइडेड करंट लाइबिलिटी मतलब कंपनी के जो है करंट एसेट 2,00,000 के हैं और करंट लाइबिलिटी 1,00,000 की। हमने देखना है कंपनी की करंट रेशियो कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो करंट एसेट डिवाइडेड करंट लाइबिलिटी का फार्मूला लगाया 2,00,000 डिवाइडेड 1,00,000, आंसर क्या आया 2:1 मतलब 2:1 मतलब कंपनी के पास 2 रुपए के एसेट्स हैं, 1 रुपए की लाइबिलिटी मतलब 1 रुपए की लाइबिलिटी को अदा करने के लिए कंपनी के पास 2 रुपए मौजूद है। तो इसका मतलब कंपनी की पोजीशन अच्छी है। इसका जो स्टैंडर्ड होता है 1:1 हो तो स्टैंडर्ड करंट रेशो का अच्छा है, अगर एसेट कम हो और लाइबिलिटी ज्यादा हो तो कंपनी का स्टैंडर्ड, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। आगे है क्विक रेशो। क्विक रेशो से हमें पता चलता है कि कंपनी के पास क्विकली एसेट कितने हैं। कंपनी के पास क्विकली एसेट मतलब जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में, इजीली लिक्विडिट हो जाए, तो वो हमें क्विक रेशियो कितने हैं। करंट एसेट में तो सारे आ जाते हैं ना एसेट, जैसे इन्वेंट्री जो है हमारा एक क्विक एसेट नहीं है। हो सकता है इन्वेंट्री 2 साल भी ना बिके, 3 साल भी ना बिके, पर एसेट तो है पड़ा रहे। तो हमने देखना है कि कंपनी के पास क्विक एसेट कितने हैं। क्विक एसेट आ जाते हैं बैंक कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी में डिबेंचर शेयर्स वगैरह आ जाते हैं जो इजीली क्विकली फॉर्म में जल्दी से पैसे में तब्दील हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं क्विक एसेट। क्विक एसेट का फार्मूला है क्विक एसेट डिवाइडेड करंट लाइबिलिटी। ये 2 फार्मूले हैं क्विक एसेट में, बैंक कैश और मार्केट सिक्योरिटीज लिख के हम डिवाइड कर देंगे उसको करंट लाइबिलिटी पे, तो फिर भी हमारा क्विक रेशियो का आंसर निकल आएगा। और दूसरे तरीके से हमारा इस तरह भी निकल सकता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड करंट लाइबिलिटी। ये 2 फार्मूले इस्तेमाल करके हम क्विक रेशियो का आंसर निकाल सकते हैं। क्विक रेशियो आल्सो नोन एज अ लिक्विड और अ एसी टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो को हम लिक्विड और एसी टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। इट एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन लिक्विड एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। वही बात जो मैंने आपको बताई कि लिक्विड एसेट और करंट लाइबिलिटी में ये रिलेशन बताती है। लिक्विड एसेट मतलब बैंक कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और इन दोनों में रिलेशन बताती है कि कंपनी के पास कितने क्विक एसेट हैं अपनी करंट लाइबिलिटी को अदा करने के लिए। आई होप दोस्तों आपको इनका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।